के तो दाना है ये देख लो सर हर हज हर जाए हैं कहाँ के दाना बड़े कट के हैं। गांव और शहर में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि वहाँ के लोग खाते हैं मोमोज, फिंगर, टिकिया, पिज्ज़ा, बर्गर, और वहीं गांव के लोग खाते हैं घी, नमक, रोटी, दूध, चावल, दूध माठा, ये सब चीज़ें। आपको गांव वगैरह में कोई भी मतलब ऐसा नहीं दिखेगा जो मोटा हो कि जो चल ना पा रहा हो, लेकिन आप शहर जाइए तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, एक से एक मोटे लोग जिम जा रहे हैं फिर भी शरीर कम नहीं हो रही है। और गांव में इतना काम रहता है कि आदमी छुट्टी नहीं पाता काम से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो पे। और आज का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आपको धान ही धान दिखाई पड़ेगा। और आज मैं आया हूं अपने गांव के धान के खेत में और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा पूरी जानकारी। अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए धान कच्चा है, हरा धान है, वो देखिए आगे वहाँ पे धान पीला हो चुका है, इसका मतलब कि धान पक चुका है। और वहाँ पे काफ़ी रात से ही दादी लोग, दादा लोग वहाँ पे धान काट रहे हैं, कटवही चल रही। चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या क्या है और दिखाते हैं आप लोग को। तो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे धान के खेत की ओर। वो देखिए वहाँ पर काफ़ी लोग धान काट रहे हैं। अभी यहाँ पर धान हल्का कच्चा है तो अभी धीरे धीरे यहाँ भी पक जाएगा तो फिर पूरा धान कट जाएगा। देखिए बगल में पूरा धान कट चुका है। और पहले देखिए यहाँ पे इसको मतलब काटते हैं, उसके बाद पूरे खेत में फैला देते हैं। फैलाने के बाद फिर धीरे धीरे अपना इनका जो सिस्टम होता है पूरी जानकारी मैं अभी दूंगा और करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे चारों तरफ धान ही धान दिखाई पड़ेगा क्योंकि गाँव आया हुआ था, तो गाँव में मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ कि गांव में कैसे खेती की जाती है, क्या है मतलब किसानों का क्या हाल चल रहा है, इस बार धान में नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। और देखिए कहीं पे धान कट चुका है, देखिए खेत भी जोत गया है। अभी धान के बाद यहाँ पे कुछ लोग आलू की खेती करते हैं, आलू बोते हैं, और काफ़ी लोग फिर अपना खेत मतलब फालतू रहता है, फिर एक दो महीने बाद फिर गेहूँ का सीजन आ जाता है तो आदमी गेहूँ लगाता है। देखिए यहाँ पर धान कट भी चुका है और देखिए मतलब खेत जोत भी गया है, काफ़ी तेज़ यहाँ पे काम हुआ है। देखिए दादा खड़े हो गए हमको देखें तो, और आप लोग देखिए यहाँ पे धान फैला हुआ है। इस धान को पहले यहाँ पे काटते हैं, उसके बाद फैलाते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बांधते हैं, बांधने के बाद फिर साइकिल से नहीं तो सर पे रख के इसको घर ले जाते हैं, फिर घर में पीटते हैं। पीटने के बाद जब धान को अलग करते हैं उसके बाद ये जो पैरा बन जाता है, फिर पैरा को भैंसी खाती है। और धान को सब लोग स्टोर करते हैं या फिर अपने मतलब खाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर इसे बेच देते हैं, यही होता है इसका काम। और पूरी जानकारी अभी जुड़े रहिए, देखते रहिए आप लोग हमारे साथ। देखिए किस तरह दादी इस तरह कड़ी धूप में, देखिए अभी 11-12 बजा हुआ है, इतनी भयंकर यहाँ पे देखिए धूप है, और देखिए दादी यहाँ पे अपना घर द्वार सब कारोबार छोड़ के यहाँ पे धान काट रहे हैं। बहुत ही मेहनत का काम है ये, कि आप लोग के बस का नहीं है। आप लोग केवल एक काम करिए कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इसी तरह के आप देखने चाहते हैं वीडियो तो। और आप लोग देखिए कि देखिए किस तरह पढ़ाई लिखाई छोड़ के देखिए 18-19 साल की उम्र में ये लड़का काट रहा है धान। ये देखिए आप लोग देखिए किस तरह धान काटा जाता है, देखिए बगल में दादा भी धान काट रहे हैं। मतलब घर परिवार जितने औरतें होती हैं सब अपना घर मतलब काम वाम छोड़ के इसी में जुट जाती हैं। और आप लोग को बता दूँ जैसे ये लोग यहीं पर रहेंगे, इनका खाना है वो बन के अभी आ जाएगा घर से, यहीं पर खाना खाएँगे, फिर काम करेंगे, फिर पानी पीते रहेंगे, काम करते रहेंगे। धूप में पता नहीं मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और ये लोग रोज़ रोज़ वही काम पता नहीं कैसे धान काटते हैं। इतनी मेहनत से तैयार होता है ये धान, फिर भी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि बर्बादी करते हैं इस तरह धान चावल का। अरे कुछ तो शर्म करो, ये वीडियो देखने के बाद को आप लोग शर्म को आ जानी चाहिए कि हाँ कितनी मेहनत का काम है। अगर आप लोग को बोना और काटना पड़े तो क्या होगा आप लोग का, ये सोच कर देखिए आप लोग। देख रहे हैं दादा की उम्र कितनी होगी, करीब 70 से 80 साल की उम्र में ये दादा बिना किसी चीज़ की परवाह करे इस तरह धूप में देखिए किस तरह चला रहे हैं, हंसिया धान काट रहे हैं। ये देखिए अभी आप लोग को मैं आगे भी ले चलता हूं और वहां भी दिखाता हूं कि काफ़ी लोग, काफ़ी दादी मतलब काफ़ी उम्र की दादी यहाँ पर काम कर रही हैं इस तरह कड़ी धूप में। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे, और आप लोग देखिए चारों तरफ यहाँ पे धान ही धान है। और अभी आगे जाएंगे और आगे भी वहाँ पे धान कट मतलब चल रहा है कटिया। और देखिए नीचे काफ़ी यहाँ पे देखिए कीड़े भी हैं जो धान में लगते हैं। ये देखिए काफ़ी मतलब हम पैर रख रहे हैं, पतली पतली मेड़ है तो उसमें
निकल रहे हैं जहाँ पे छुपे हुए थे कीड़े। अभी चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि आगे दादी लोग काट रहे हैं धान वगैरह। अभी यहाँ पे कच्चा है फिलहाल, धीरे धीरे 1 महीने में पक जाएगा यहाँ भी धान और पूरा खेत साफ हो जाएगा। 1 महीने बाद पूरा खेत आपको साफ ही साफ मिलेगा, कहीं पर भी आपको धान का नाम निशान नहीं रह जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दादी, देखिए दादी किस तरह धान काट रही हैं। दादी का बांध रहे होगा? बांधने के बाद क्या कर रही हो? अच्छा, पूरे खेत के बांधे कभी? तो आप लोग देख सकते हैं कि दादी किस तरह कड़ी धूप में, आप लोग देख सकते हैं इतनी धूप में यहाँ पे देखिए दादी कितनी मेहनत कर रही हैं। बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत काम है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है, इसको अभी घर ले जाएंगे, उसके बाद फिर पीटेंगे, फिर इसमें से धान निकलेगा। अभी देखिए सामने कटवही चल रही है, हम वहाँ भी चलते हैं। और देखिए यहाँ पे दादी का नाती भी आया हुआ है, ये देखिए छोटा सा है, घर में कोई काम नहीं था यहाँ चला आया है। देखिए दादी किस तरह धान काट रही, इतनी तेज हाथ चल रहा है कि क्या बताऊँ आपको। देखिए किस तरह हंसिया चल रही है, धान कट रहा है, बहुत तेज़ यहाँ पे काम हो रहा है। आप लोग को बता दूं कि देखिए गांव का जो माहौल होता काफ़ी अच्छा होता है शहर के अपेक्षा, ये मैंने खुद महसूस किया है। क्योंकि आप लोग को 90% जो शहर में महिलाएं रहती हैं वो आपको मोटी दिखाई पड़ेंगी, कहीं कोई डाइट को कहीं जिम जा रहे हैं, लेकिन गांव में आपको जिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। घर में गांव में इतना काम रहता है, आदमी उसी सारा टाइम नहीं मिलता तो जिम क्या जाएगा। आपको अगर आप गांव आइए कभी, आपको गांव में बहुत ही कम, मतलब कहें तो 5-6% औरतें आपको ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि जो मोटी होंगी। यहाँ पे सब दादी हैं, चाची हैं, काकी हैं, सब एकदम बढ़िया पतली पतली हैं। और आपको बता दें काम बहुत भयंकर करती हैं, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाएंगे। साइकिल कहो चला के पैर ढो दिए, तुमका दिखाई दागे देखे रहो वीडियो बस खाली तुम। और ये देखिए यहाँ पे धान मतलब बन चुका है पैरा, अब इसको यहाँ से साइकिल से लाद के और नहीं तो सर पे लाद के इसको घर ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे इसको पीटेंगे, फिर धान निकलेगा। ये देखिए देखिए दादी लोग यहाँ पे काट रही हैं धान वगैरह, ये देखिए पूरा घर परिवार इकट्ठा हो गया है धान काटने के लिए। और ये देखिए ये लोग देखिए खाना भी ले आते हैं, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, खाना आ गया है घर से, पानी आ गया है, खाना खाइए, पानी पीजिए और काम करते रहिए। भैया अब शहर के महिलाएं खाती हैं फिंगर है, मोमोज है, टिकिया है, तो तेल तो फूली है सर। अब यहाँ गाँव के महिलाएँ ढेर रोटी खा रही हैं, चार ठही रोटी घी खाइन खाइन सार भर गवा पेट, फिर काम करिन, फिर खाइन, फिर काम करिन, तो ये लोग एकदम फुर्तीली रहती हैं। देखिए सर मतलब इस तरह सर में इतना वजन पाइप रखे खड़ी हैं, हाथ के जरूरतें नहीं ना, ऐसे बैलेंस बनाए हैं। और बहन तई शहर वाले ले आओ, एक ठही कह दियो भैया फरवा उठा लियो, जनते नहीं हमें कौनिक उठावा जात है, कहो उल्टा सीधा उठा के अपन पैर काट डाले। ये देखो दादा ले जा रहे हैं साइकिल में, देखो आगे अपने बेटवा को बैठाए हैं बढ़िया, और साइकिल बेटा को खुश है, बढ़िया से धान देखे लद के जा रहा है, घर ले जाएंगे इसको, फिर पीटेंगे, फिर धान निकलेगा। आप लोग को वीडियो में मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर दीजिए कि हमको मज़ा नहीं आ रहा। और आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं कि किस तरह दादा नंगे पैर ही सर पे धान मतलब ढो रहे हैं, ले जाके खेत से घर ले जा रहे हैं, नंगे पैर हैं और कुछ पहने नहीं है पैर में, और रोड भी जल रही है। ये देखिए यहाँ पे दादी भी नंगे पैर हैं, ये देखिए सर के ऊपर इतना वजन लाद कर चल रही हैं, काफ़ी मेहनत काम रहता है। ये देखिए यहाँ पे पैरा लगा हुआ है जिससे कि धान मतलब पीटा जा चुका है और इससे धान निकल चुका है, ये अब केवल भैंसी के खाने के ही काम आएगा, इसे भैंसी खाएंगी, पैरा रख देते हैं, साल भर चलता है ये। और इधर देखिए धान भी मतलब पीटा जा चुका है, देखिए धान के दाने हैं, अभी इस धान को कुटवाया जाएगा। और कूटने के लिए आपको जैसे मान लीजिए कहीं पे पलेसर रहता है तो पलेसर ले जाइए, नहीं तो फिर अब आजकल गाड़ी मतलब घर घर आती है धान कूटने वाली, तो आप वहाँ पे धान कुटवा लीजिए अपना। ये देखिए यहाँ पे स्टूल में पीटते हैं और पीटने के बाद धान इकट्ठा करते हैं,
फिर इसको स्टोर कर लेते हैं खाने के लिए अपने, और जिनको बेचना रहता है वो बेच देते हैं। और यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे हैं जो भूसा, मतलब ये जो पैरा है इसमें अभी धान लगा हुआ है, अभी इसको पीटेंगे, इसको पीटने के लिए अलग रखे हुए हैं। और काफ़ी मतलब धान यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, अभी इसको भरेंगे बोरी में, फिर धीरे धीरे अपना व्यवस्था करेंगे ये लोग। और अभी ये बगिया में ही है, मतलब बगिया में व्यवस्था किए हैं, सुबह चले जाते हैं जल्दी यहाँ पे उठ के और पीटते रहते हैं। पीटने के बाद फिर चले जाते हैं घर से, खाना आ जाता है, खाना खाते हैं, फिर इसी में सुबह शाम बीता करता है। और सुबह शाम का यही काम रहता है कि धान पीटते रहते हैं, इसी तरह चल रहा है किसानों का काम धंधा। अभी हमने अंकल से बात किया है कि अंकल धान पीट के आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग देखिए किस तरह धान पीटते हैं, ये देखिए बार बार उसी को पटका करते हैं और इसी में से धान जो है वो झरझर के निकलता रहता है, फिर इसे बहा देते हैं। ये देखिए फिर यहाँ से उठाया इन्होंने, फिर अभी इसको पीटेंगे और फिर धान इसी तरह निकलता रहता है। और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जो निकल चुका है वो वाला पैरा, उधर लगा हुआ है और इस तरफ पीछे तरफ हमारे लगा हुआ है कि जिसमें जिससे मुझे जिसको भी पीटना है, मतलब जिसमें भी धान लगा हुआ है। तो यही तक था हमारा और वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा।